सब्सक्राइब करें होगाटो का चैनल को, बेल आइकन पे भी प्रेस करें ताकि आप देख सकते हैं सबसे पहले मेरे वीडियो को। हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोबाइल कैमरे के बारे में। तो दोस्तों, मैंने पहले बता दूं कि पहले पिछली वीडियो में बताया था आपको कि कैमरे से क्या कुछ नहीं कर सकते, कैमरे से चार ऐसी काम कर सकते कैमरे से जो काफी इजी बना देता है। तो दोस्तों, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में कि मैं कैमरे के बारे में, लेकिन दोस्तों कैमरे से आप फोटो खींचते हैं, नॉर्मल सा फोटो खींचते होंगे, लेकिन दोस्तों आपको मालूम है कि आप 3D भी फोटो खींच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये वीडियो देखते रहे क्योंकि मैं ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसके मदद से आप 3D फोटो खींच सकते हैं और VF प्रेशन कर सकते हैं और आप अपने दोस्तों को भी प्रेशन कर सकते हैं और फेसबुक में डालेंगे तो काफी पागल ही हो जाएगा वो फोटो देख करके। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरी देखिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों मैं एक और बात बता दूं, वीडियो शुरू करने से पहले अब तक होगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से मैं वीडियो नई वीडियो अपलोड करता रहता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों लाइक कर दीजिए, फटाफट जितना होगा लाइक कर दीजिए ताकि मुझे पता चले आप लोग हमारे वीडियो को कितना पसंद करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है सितारे, आप देख रहे हो गटोगा चैनल। तो दोस्तों सबसे पहले आप प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए। ओपन करने का सर्च बार में सर्च कीजिए पोगी, जो सबसे पहले आप उसे ले दिखेगा उसे क्लिक कर लीजिए। तो दोस्तों आपको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने का आपको बेसिक सा आपको इंटरफेस दिखेगा, कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा। तो चलिए मैं पहले फोटो खींचने से पहले मैं सेटिंग को आपको बता दूं, सेटिंग में लेके जा करके। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इतना आप कर सकते हैं। अब ऑटो रेगुलर्स की बात करें तो यहाँ पे क्लिक करके आप नॉर्मल रखना चाहते हैं या HD में रखना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिए। HD में तो HD में, नॉर्मल रखना चाहते हैं तो नॉर्मल में भी रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मिल जाता है फेस, इसे क्लिक करेंगे ऑटो में भी रख सकते हैं, पिक्सल में भी रख सकते हैं, मेमोरी में रख सकते हैं, यानी बहुत अच्छा फीचर मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे वॉलपेपर की बात करें तो यहाँ पे स्पीड मिल जाता है, क्वालिटी मिल जाता है। तो इस तरह का सेट करके आप इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंगल फोटो खींच सकते हैं या मल्टीपल फोटो भी खींच सकते हैं, एक साथ मल्टीपल फोटो या आप सिंगल फोटो उसकी उधर से आप खींच सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम भी आप सेटिंग कर सकते हैं और यहाँ जेब भी फोटो खींच सकते हैं और यहाँ पे साइज भी रख लीजिए, GF कितना साइज का आप रखना चाहते हैं, लिमिट उस सब की रख लीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो भी खींच सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं लो क्वालिटी हाई क्वालिटी आप इसे रख सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा फंक्शन मिल जाता है, वीडियो स्पीड भी कर सकते हैं और बहुत सारा कुछ मिल जाता है। तो इसे सेटिंग कर लीजिए, तो मैं तो सेटिंग करके रखा हूँ ऑलरेडी। तो दोस्तों यहाँ पे टैग फोगी इसे क्लिक कर लीजिए, क्लिक करने का इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। तो दोस्तों इसे मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो इसे फोटो खींच लीजिए तो ये ऑटोमेटिकली होगा, ऐसे आप डाउन कर लीजिए तो आपको यहाँ पे थोड़ा लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद जो आप 3D फोटो के हिसाब से आप उसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इम्प्रेस अच्छा लग जाता है। जो आप अपने फ्रेंड को दिखाएंगे तो वो चौंक जाएगा कि भाई कैसे खींचा, तो उनको आप बता सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से हिलाएंगे तो आपको स्पीड बढ़ेगा, इस तरह से देखेंगे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ बोल रहा हूँ मैं, तो इस तरह से स्पीड होता है, इस तरह से घुमाएंगे तो ये 3D फोटो हो जाएगा। इसके मदद से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 3D फोटो मिल जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से आपको 3D फोटो मिल जाएगा, जो काफ़ी अच्छा है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है एप्लीकेशन, जो आप भी इंस्टॉल करके आप इसे यूज़ करते हैं जो अंग देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताना था ये एप्लीकेशन के बारे में, जो आई होप कि आपको समझ में आएगा किस तरह से एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ताकि अब तक होकर तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर ले ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपके मन में जो भी सवाल सुझाव करना चाहते तो मेरे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और मेरी दूसरी वीडियो देखना चाहते तो आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, उसी दोनों क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।